लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतर रही कांग्रेस पार्टी के चुनावी एजेंडे में अब जय जवान भी जुड़ गया है। पार्टी ने राहुल गांधी के आह्वान पर यह अभियान शुरू किया है और इसी में 2019 में हुई शुरू हुई अग्निवीर स्कीम से पहले सेवा में भर्ती के लिए चुने गए 1.5 लाख जवानों की अटकी हुई भर्तियों को पूरा करवाना और अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों की तरह सुविधाएं और वेतन दिलाना भी इसमें शामिल है। देश की सियासत में जय जवान का मुद्दा फिर गर्मा गया है। राहुल गांधी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस ने जय जवान अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल 2019 में शुरू की गई अग्निवीर योजना से पहले सेना में 1,50,000 जवानों की भर्तियां फाइनल हो चुकी थी, पर अग्निवीर योजना आने के बाद 1.5 लाख सिलेक्ट किए गए जवानों की भर्ती तब से अटकी हुई है। अब कांग्रेस ने इन 1.5 लाख जवानों की सेना में एंट्री के साथ ही अग्निवीर जवानों को रेगुलर सैनिकों की सुविधाएं देने का अभियान छेड़ा है। जो पहले परमानेंट फौजियों को और अग्निवीरों में दोनों में जो अंतर आया, जो उनके साथ खिलवाड़ किया गया, इस कैंपेन के माध्यम से हम उन युवाओं तक पहुंचेंगे। उन 1.5 लाख लाभार्थियों को युवा कांग्रेस ये भरोसा दिलाएगी कि उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्वयं बनेंगे। 2019 में जब ये स्कीम आई, लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे, उनको चुना भी गया, अग्निवीर की तरफ से मनाया भी गया कि ठीक है आपको सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज तक उनका कोई सिलेक्शन नहीं है। 4 साल आज खत्म हो गए, उनको कोई अगर कहीं पे पोस्टिंग नहीं मिली, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली और अब वो अपने आप को ये ठगा सा ऐसा महसूस करते हैं कि आगे उनका भविष्य क्या है, क्या उनको अब आगे ना वो पढ़ाई के लायक रहे। 17.5 साल का, 18 साल का जब युवा जो आज स्कूल से निकला है वो सीधा ही इस फॉर्म को भरता है और आगे आप 21 साल तक की उम्र रखते हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों में युवा कांग्रेस ऐसे जवानों से संपर्क करेगी, प्रदर्शन करेगी और पद यात्राएं निकाली जाएंगी। खास बात यह है कि यूथ कांग्रेस के साथ कांग्रेसी विचारधारा के पूर्व सैनिक भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। अब 4-5 साल हो गए इसको, ये जो स्कीम जारी है 4-5 साल में इन 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 इनसे आप क्या करवाओगे, गार्ड ड्यूटीज करवाओगे, तो वो कुल मिला करके क्या है कि वो एक्सपर्ट नहीं हो पाते। जहाज का सिस्टम है, मिसाइल का सिस्टम है, हाईली टेक्निकल सिस्टम है, उनको जो है वो ऊपर वाले रिटायर हो जाएंगे, नीचे वाले आगे जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा फौज का। पानीपत में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान से जुड़े यूथ कांग्रेस के सभी सीनियर पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान को जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध नाम दिया गया है। ऐसे जवानों से फार्म भरवाए जाएंगे। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से भर्तियां पहले होती थी, एक प्रोटोकॉल होता था, पहले की तरह हम मांग करते हैं कि वैसे ही भर्तियां की जाए। और 1.5 लाख युवा, जिस तरह से हमारे भाइयों ने बताया कि 1.5 लाख युवा हैं जिन्हें कमिटमेंट किया गया, पेपर पास किए गए और कमिटमेंट किया गया कि आपको जॉब देंगे, लेकिन कहते हैं कोरोना काल आ गया, अब तो कोरोना नहीं है, अब तो आप लोग जॉब दे सकते हो। मतलब कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में अब जय जवान भी एक मुद्दा होगा। इस पर्चे में लिखा है न्याय का हक मिलने तक। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।